वेलकम टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल टेली चस्का। वेल दोस्तों, बिग बॉस सीजन 14 के अंदर हर कंटेस्टेंट अपना दमखम दिखा रहा है, लेकिन हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर इनमें से कौन से होंगे वो पांच कंटेस्टेंट जो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस वक्त शो के अंदर हर कंटेस्टेंट कॉन्ट्रोवर्सी को बटोर रहा है। पर आखिर कौन से वो पांच कंटेस्टेंट होंगे जिनमें होगा इतना दम कि वो पहुंचेंगे फिनाले की रात तक, यही बताने वाले हैं हम आपको हमारे इस वीडियो में। और साथ ही साथ इस बात का भी खुलासा करेंगे कि आखिर कौन सा है वो कंटेस्टेंट जिसके हैं जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस। तो दिल थाम कर बैठिए जनाब, क्योंकि इस लिस्ट में जिसका नाम आता है पांचवें नंबर पर, वो है टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस जैस्मीन भसीन। जैस्मीन भसीन घर में अपने अलग अलग रंगों को दिखाने के लिए जानी जाती हैं। कभी वो घर में रोती हैं तो कभी वो इमोशनल ड्रामा करती हैं, लेकिन फिर भी जैस्मीन इस शो में काफी आगे जाने वाली हैं। और जैस्मीन टॉप पांच में तो अपनी जगह पक्का बना ही लेंगी। चौथे नंबर पर जिसका नाम आता है वो है बिग बॉस की वाइल्ड कार्ड एंट्री अली गौनी। वैसे तो अली गौनी शो के अंदर आए जैस्मीन के गेम को बूस्ट करने के लिए, लेकिन उन्होंने अपने ही शो को जमकर बूस्ट कर लिया है और घर के धीरे धीरे मास्टरमाइंड बनते जा रहे हैं। फैंस को इनका गेम काफी ज्यादा पसंद भी आ रहा है और यही वजह है कि अली गौनी चौथे नंबर के पायदान पर कब्जा करके बैठे हैं। तीसरे नंबर पर जिसका नाम आता है वो है खान, यानी कि इजाज खान। इजाज खान का गेम काफी अलग है। इनका गेम समझ में तो नहीं आता, लेकिन इतना जरूर है कि कलर्स और सलमान खान दोनों ही इनको जमकर सपोर्ट कर रहे हैं और इजाज भी घर के अंदर अपने अलग अलग रंगों को दिखा रहे हैं। ये चीजों के अंदर इतना घुस जाते हैं कि कई बार कंटेस्टेंट्स के साथ इनकी लड़ाई भी हो जाती है। कहते तो हैं ये अपने आप को काफी एथिक्स वाले, लेकिन इनके एथिक्स लोगों को अब कम समझ में आ रहे हैं। तो वहीं दूसरे नंबर पर जिस कंटेस्टेंट का नाम आता है वो है राहुल वैद्य। वेल दोस्तों, राहुल वैद्य को पहले घर का सबसे वीक कंटेस्टेंट माना जा रहा था। सिद्धार्थ शुक्ला ने राहुल वैद्य को बेघर नहीं होने दिया और यही वजह है कि राहुल वैद्य ने अपने गेम को खूब इम्प्रूव करा और जमकर शो में छाए हुए हैं। अक्सर ये अपनी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। घर में इनकी लोगों से लड़ाइयां भी होती हैं और इनके मुंह में जो आता है ये उसको बोल देते हैं, लेकिन इनकी वो बातें बाहर सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड करती हैं। पर नंबर वन पर जिस कंटेस्टेंट का नाम आता है वो है रानी। वो रानी जो बिग बॉस के खिताब को जीतने का भी मादा रखती है, वो रानी जो इस शो में नंबर वन मानी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कलर्स की ही एक्ट्रेस रुबीना दिलायक की। वेल दोस्तों, रुबीना दिलायक का गेम है काफी शानदार। ग्रेस और एलिगेंट के साथ इन्होंने पूरे गेम को खेला है और इन्होंने शो के अंदर ना तो कभी बदतमीजी की और ना ही अभद्र भाषा का प्रयोग करा है। इनकी हिंदी भी उतनी शानदार है जितनी शानदार इनकी इंग्लिश है और यही वजह है कि ये टास्क में भी जमकर एंटरटेन करती है और अपनी बात को हमेशा क्लियरली रखती है। तो वेल दोस्तों, ये थे वो पांच कंटेस्टेंट जो बिग बॉस के घर में जाएंगे काफी आगे। इसमें से आप किसको सपोर्ट करते हैं कमेंट्स में हमें जरूर लिखकर बताएं। क्या आपको भी लगता है कि इस बार रुबीना दावेदार हो सकती हैं खिताब को जीतने की? कमेंट्स में अपनी राय लिखें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।